करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। सो हे गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी सारे के सारे। तो आज है 7 तारीख और अभी मैं थोड़ी देर पहले नींद से उठा हूँ, तो आप देख सकते हो थोड़ा कैसे कैसा लग रहा है भाई। तो जो भी हो, तो आज है 7 तारीख, तो मैं जाने वाला हूँ। अभी तो 7:15 हो रहा है, तो अभी पहले टीचिंग करने जाना है, ठीक है। अब वो भी दिखाऊंगा मैं कभी कि कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ। देख लो यार, दाढ़ी कैसा हो गया यार, बाप रे। काटने का मन भी कर रहा है लेकिन सोच रहा हूँ यार नहीं काटेंगे, बाद में काटेंगे, पूजा भी आ रहा है, इससे अच्छा थोड़ा और बड़ा हो जाए उसके बाद अच्छी तरह से एकदम लुक बनाएंगे। तो आज 7 तारीख जवान का रिलीज डेट है गाइस, तो आज को हम जवान देखने जाने वाले हैं मेरे यारों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ। आप लोग रहिए, यहीं पे जाएंगे जस्ट एज अ नॉर्मल थिएटर, तो चित्रंजन में ही जाएंगे। तो आप लोग भी रहो, देखो, मौज करो, फिर मैं बताऊंगा भी कि मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। और किंग खान गए तो शायद एक्सपेक्टेशन तो है कि यार बढ़िया होगा, ठीक है। और जिस तरीके का ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया था उससे भी बढ़िया लगा, देखते हैं क्या होता है। और ये मेरा फर्स्ट मूवी है SRK का कि मैं थिएटर में जा रहा हूँ देखने, ओके। कैसा मूवी है, मुझ देख रहे हो? जोकर लग रहा होगे। तो जो भी हो, तो आप लोग से मिलते हैं तैयार होके और निकलते वक्त, ठीक है। तो हैप्पी जन्माष्टमी फिर से सब। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हॉल और मूवी देखने के बाद बोलेंगे रिव्यू और रिएक्शन। आपको हमारी कसम लौट आइए। अरे भाई, क्या मूवी था गाइस। अब बारी है रिव्यू की, ठीक है। मूवी भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब बारी है कि यार मूवी असल में कैसा था, मेरा कैसा लगा और बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो अब बैठते हैं, बातचीत करते हैं आप लोगों से। तो मैं कौन हूँ? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। एडी फिल्म्स इंडिया, मतलब अरिजीत दास। यार मैं देख के आया जवान, आप सभी को पता है, मैं टाइटल में भी दे चुका हूँ, थंबनेल में भी आप लोगों को दे चुका हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप लोग देखे हो मूवी? नहीं देखे हो तो पहले जाके देखो ना यार, क्या कर रहे हो ये सब मूवी घर पे बैठ के मोबाइल पे देखोगे क्या? जाओ 100 रुपया दो, 90 रुपया दो, 50 रुपया दो, जहाँ पे जितना पैसा लग रहा है यार। 250-300-400 का तो तुम रिचार्ज करवाते हो, 50 रुपया दे के मूवी देख लो। देख लोगे ना तो बोलोगे यार पैसा वसूल मूवी है यार, किसी ने कहा था, मैंने बोला था, कौन नाम बताना कि यार एडी फिल्म्स इंडिया बोल के जाना, उसने बोला था कि यार ये मूवी देखो, मस्ट वॉच मूवी। सेम है यार, क्या एक्शन है, क्या डायरेक्शन है, क्या एक्टिंग है सबका, बाप रे बाप, फाड़ के रख दिया ब्रो, लिटरली फाड़ के रख दिया सब। मतलब स्टोरी क्या है यार, स्टोरी क्या है,
फिर संजय दत्त का एंट्री, मतलब सबका एंट्री पे फोकस किया गया, पूरा सबका एंट्री पे ज्यादातर करके फोकस किया गया। तो पहले तो सोचा कि यार एस आर के का मूवी है, देख लेंगे, और ऐसा रहता है, एक्सपेक्ट रहता है कि हाँ यार एस आर के किंग खान शाहरुख खान का मूवी है तो मचेगा, ठीक है मचेगा हमेशा से, मतलब यार बचपन से, मतलब बचपन मतलब क्या, 2002 से मैं पैदा हुआ भाई, 2007-08 से मैं शाहरुख सर का फैन हो गया था, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता था मुझे ऐसे ही, लेकिन उस टाइम कोई मूवी मैंने नहीं देखा था, इतना मुझे याद है। उनका मूवी मैंने देखा रावण, उस टाइम से मैं शाहरुख खान का मतलब फ़ैन हो चुका था, ठीक है। फिर उनका जो थॉट्स वगैरह वगैरह तो बाद में तो सुनने में आए जब बड़े हो गए यूट्यूब वगैरह वगैरह वगैरह। सो यार मैं तो सजेस्ट करूँगा यार जितना जल्दी हो सके जाओ देखो, और हाँ यार ये फैमिली के साथ भी देख सकते हो, और हाँ पापा को लेके जा सकते हो ये वाला मूवी में आप लोग, ठीक है। अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो पापा को लेके जा सकते हो, फैमिली को लेके जा सकते हो, और सेम बताऊँ तो बहुत ही बढ़िया मूवी है यार, बहुत ही बढ़िया मूवी है। कितना अच्छा स्टोरी था भाई, ऐसा स्टोरी, ऐसा डायरेक्शन, ऐसा एक्टिंग, ऐसा एंट्री, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो अनएक्सपेक्टेड था भाई, कुछ कुछ चीज़ें तो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ऐसा यार तुम लोग जाके देखो भाई, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। और इस सर के सर, एटलीस्ट सर, दीपिका मैम, नयनतारा मैम, फिर और जो भी को एक्टर्स थे, संजय दत्त सर, सारे ने इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा काम किया, मतलब सही में बताऊँ यार, मतलब पैसा वसूल हो चुका है मेरा, ठीक है। और क्या ही बोलूँ यार, मतलब मेरे पास ना वो शब्द नहीं है बोलने के लिए कि यार ये मूवी कैसा था। और ये ऐसा नहीं कि यार एक बार देख लिए बस बोर हो गया, अगर दो बार देख लिए, सही बताऊँ यार मैं मतलब ज़्यादातर बोर हो जाता हूँ, मैं नींद मतलब सूख जाता हूँ थिएटर में, जितना भी चिल्लाता है मैं सूख जाता हूँ, ठीक है। मतलब पहले वगैरह वगैरह में होता है कि ठीक है यार वाह एक्शन है, वाह क्या अच्छा स्टोरी है, क्या अच्छा डायलॉग है, लेकिन उसके बाद कहीं पे थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो मैं सो जाता हूँ। लेकिन इस मूवी में ना पहले ऐसे, पहले मतलब मैं वे में बता दे रहा हूँ, ठीक है, पहले उठाया, फिर थोड़ा 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 इतना आया, फिर से उठा दिया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर लेवल में गया थोड़ा सा, मतलब इस लेवल में आया, मतलब थोड़ा सा इमोशनल बातचीत हो रहा था, मतलब प्यार व्यार, माँ का प्यार वगैरह, तो उस लेवल में ऐसा आया, मतलब ठंड रख गया पूरा, फिर अचानक से उठ गया, फिर ठीक है, फिर डाउन आया, फिर उठा भाई, उसके बाद जो उठता ही गया, उठता ही गया, उठता ही गया भाई, और उसके साथ साथ जो गुंडे थे वो लोग भी उठता ही गया मेरा तो भाई गले से आवाज़ भी नहीं निकल रहा, क्यों वो तो सभी को पता है, ठीक है। मतलब आप लोग धारणा कर ही सकते हो कि मैं एस आर के का मूवी देखने गया, और जो लोग जवान देखे हैं उन लोगों को तो एकदम पक्का मालूम पड़ गया होगा कि इस बंदे का क्यों गला में ऐसा हो रहा है। तो यार बहुत 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 बढ़िया मूवी था, और एस आर के सर सबको, मतलब जितने भी एक्टर्स थे, को एक्टर्स थे, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, सैल्यूट सबको, बहुत ही बढ़िया काम, बहुत ही बढ़िया काम। और सॉन्ग्स तो भाई मैंने रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि थोड़ा सा इशू है, मतलब मेरा सिस्टम तो ठीक है, और ये देख रहा हूँ ना बैकग्राउंड खिड़की टूटा है, पेपर चिपकाया हुआ है, तो यार आप लोग सपोर्ट करो, ये सब को भी मैं चेंज कर दूंगा, आप लोग अगर सही तरीके से सपोर्ट करोगे मुझे तो यार मूवी बहुत अच्छा मूवी है यार, आप बोर नहीं होगे एक बार भी, और फैमिली के साथ जाके देखो, बहुत ही अच्छा मूवी है, सही में बहुत ही अच्छा मूवी है यार। मतलब ये सब मूवी को मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब क्या एक्शन था यार, सेम है यार मेरे को तो ना खींच रहा है, आजा आजा यार, क्या मूवी था, क्या मूवी था, क्या मूवी था, आप लोग जाके देखो, तो यही बोलना था मेरे को। और हाँ यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, सपोर्ट का ज़रूरत है आप लोगों का, ठीक है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मतलब सब कुछ, मतलब किसी को ऐसा मत बोलो ए सुपारी दिया तेरे को मैं, ठोक दिया, ठोक दो सबको, ये वगैरह वगैरह ऐसा मत बोलो। और
सब कुछ का मतलब देख रहे ना, ये सब चेंज करके आप लोगों को अच्छा दिखा दूंगा, दिखाने लायक बनाऊंगा थोड़ा, और मोटिवेट भी मुझे मिलेगा, आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो समझ रहे हो ना, जिंदगी ऐसे झंड हो के रखी है, सपोर्ट करो। देख रहे हो ना, दाढ़ी वाड़ी बगैर मतलब बड़ा हो गया यार, वैसे पैसा था कि दाढ़ी काट सकूँ, लेकिन मेरे को ना ये जवान पहले देखना था, उसके बाद ये दाढ़ी का मैं सोचने वाला था। तो अब मैं दाढ़ी काटूंगा, क्योंकि यार मैं क्या मूवी, क्या एक्टिंग भाई, क्या एक्टिंग। और मैंने ये देखा यार, जब जब बॉलीवुड मतलब ऐसे डाउन होता जाता है ना, तब ये सर के सर आते हैं ऐसे, मतलब छक्का मार देने को, ये ले उठ, उठा दिया यार, उठा दिया पूरा, गजब भाई गजब। मतलब बाप बाप होता है यार, यही है बाप बाप होता है, इस मूवी में भी वैसे ही है। मैं नहीं बोलने वाला हूँ, आप लोग जाओ देखो, और इतना मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको मिलेगा ठीक है इस मूवी में। तो ये मस्ट वॉच इट मूवी है ठीक है, आप जितना बार मल्टीपल टाइम्स आप वॉच कर सकते हो इस मूवी को, सेम यार बोर नहीं हो गया आप लोग, और शोर तो मचेगा। तो जाओ, सबको लेके जाओ, अपने प्यार करने वाले को, वाली को लेके जाओ, मम्मी पापा को लेके जाओ, परिवार को लेके जाओ, भाई बहन दोस्त यार, जिसको मन चाहे जिसको ले जाना है जाओ, अकेले जाओ दोकेले जाओ, जो जाना है जाओ, लेकिन यार जाओ देखो, अच्छा लगेगा मैं बताता हूँ ठीक है। और हैट्स ऑफ टू लास्ट टाइम, चलो बाय बाय, मिलते हैं, और ये व्लॉग आप लोगों को मिल जाएगा 8 तारीख को या फिर 9 तारीख को, तो वेट कर लेना थोड़ा, आज को 7 तारीख है, तो मैं फर्स्ट डे सेकेंड शो देखने गया था हम लोग के यहाँ पे ठीक है, तो आप 8-9 तारीख का आप लोगों को ये मिल जाएगा। बहुत बातचीत कर यार, बहुत बकली है, क्या करूँ यार, ऐसा ही मूवी था ना यार, मतलब झिझक आ चुका है यार, बोलेंगे। तो यही था मूवी, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा, जो लोग देख चुके हैं, और जो लोग नहीं देखे तो भी जाओ देखो, मज़ा आएगा यार, और ज़िंदगी में ऐसे चिल करो थोड़ा सा ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई चलता है, सब कुछ चलता है, तो जीवन में थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा चिल भी करो, ताकि सब कुछ सही लेवल पे चल सके, है ना। तो चलो बाय, अच्छा रहना, और हर किसी को जन्माष्टमी का बहुत 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 शुभकामनाएं, बाय बाय। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया।